ये आकाशवाणी है। सामयिकी में प्रस्तुत है डिफेंस एक्सपो 2020 और आगे की दिशा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक एयर वाइस मार्शल SJ ननोतकर और पत्रकार महेंद्र वेद। डिफेंस एक्सपोजिशन 2020, संक्षिप्त में कहें तो डिफ एक्सपो 2020 लखनऊ में समाप्त हुआ है। कहते हैं कि सबसे बड़ा डिफ एक्सपो है और जिसमें 200 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU की हस्ताक्षर हुए हैं। 3,000 डेलीगेट आए हैं, उसमें से 1,000 डेलीगेट विदेशी थे। बहुत सारे काम हुए, बहुत सारी बातें हुई हैं इस दौरान। कुछ किताबें भी निकली हैं, एग्जीबिशन हुए हैं, तरह तरह लोगों ने उसमें भाग लिया है। एयर वाइस मार्शल नानोटकर साहब, आप इस डिफ एक्सपो के बारे में क्या बताएंगे? देखिए, डिफ एक्सपो 2020 जितना कि मैं जानता हूँ, ये सही मायने में रीसेंट टाइम में सबसे बड़ा डिफ एक्सपो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहले चेन्नई में हुआ था और उससे पहले गोवा में हुआ था और उसके पहले के सारे डिफ एक्सपो दिल्ली में होते थे। चेन्नई और गोवा में लखनऊ के हिसाब से जो डिस्प्ले हुए थे डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट के, वो छोटा इसको था। तो कहा गया है ये सुरक्षा का महाकुंभ है। बिल्कुल सही मायने में देखा जाए महाकुंभ ही रहा है। जैसे कि आपने कहा है कि इतने सारे MOU, इतने MOU साइन हुए हैं और MOU के अलावा अगर आप देखा जाए तो 70 फॉरेन कंट्रीज से डिफेंस के जो बड़े बड़े नाम है इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के, या जो हम डिफेंस OEM कहें उनको, तो वो 70 लोग अपने स्टॉल लगाए थे। जो लेटेस्ट उनकी क्षमता है उसका डिस्प्ले किया था उन्होंने और 870 के करीब हमारे इंडियन कंपनीज ने इसमें हिस्सा लिया था। और हमारे जो PSUs है, DRDO है, इन्होंने सबने भी बहुत बड़ी पैमाने पे डिस्प्ले किया था अपने अपनी कैपेबिलिटी का, जो एक ही चीज दर्शाता है कि जो हमने मेक इन इंडिया का कदम जो उठाया था कुछ साल पहले, उसको आगे जाने में हम कितने सक्षम रहे हैं उसका ये डिस्प्ले था। MOU साइन करना ये एक चीज है, पर उसको सही मायने में आगे बढ़ाना ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और जो इससे पहले के MOUs जो साइन किए थे उसमें से क्या निर्भर हुआ हमें, क्या क्षमता हमने उसके हिसाब से पाई है हमने डिफेंस फोर्सेस के लिए, वो भी डिस्प्ले पे इस बार था। तो मेरे ख्याल में एक सेटिस्फाइंग डिस्प्ले रहा है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि अरेंजमेंट जो हुई थी इस डिफेंस एक्सपो में, जिन्होंने ये जिम्मेदारी ली थी अपने ऊपर, उनको मैं बधाई देना चाहूंगा क्योंकि इस बार बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया गया ये डेफ एक्सपो था। मैंने कई डेफ एक्सपो देखे हैं। दिल्ली में सारी चीजें ऑर्गेनाइज करना बड़ा आसान हो जाता है क्योंकि सारे परमानेंट स्ट्रक्चर यहां बने हुए हैं, नई नई जगह हम लेके जाते थे, लेकिन इतनी अच्छी तरह से जो सारी अरेंजमेंट की थी, बधाई देना चाहूंगा सबको। डिफेक्स को जब शुरू हुआ था तब काफी छोटे पैमाने पर होता था, लेकिन अब कहीं हम आगे चल गए हैं। 11वां है ये, और इसमें हम कुछ खरीदना भी चाहते हैं। और आपको तो पता है कि ये 2017 में हम दुनिया के सबसे बड़े खरीदार थे, लेकिन अभी हमारा थ्रस्ट है वो है मेक इन इंडिया का है, जैसे आपने बताया। और अब एक्सपोर्ट की भी बात की है। भारत में वो क्षमता है कि सिर्फ हम खरीदेंगे नहीं, हम बेचेंगे भी बाहर। तो अब देखिए कि इसमें क्वालिटी की बात हो रही है, बाहर से जो लोग आ रहे हैं कितना इन्वेस्ट करना चाहेंगे, मेक इन इंडिया में सहयोग करना चाहेंगे, और हमारे जो एफर्ट है उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि विदेशी इन्वेस्टर्स हैं जो बेचने आते हैं, वो काफी थके हुए होते हैं कि भारत का जो खरीदने का जो पूरा प्रोसेस है बहुत लंबा है, और कुछ ऐसे भी इश्यूज हुए हैं जिसकी वजह से आधे चलते हुए वो कैंसिल भी हुए हैं। तो ये सर और जगह भी होते हैं, हमारे यहाँ शायद ज्यादा ज्यादा कम होता होगा, लेकिन ये पेचीदा जो चीजें हैं वो भी ये सारी एक्टिविटी का एक हिस्सा है। तो डेफेक्सपो में एक अच्छी चीज ये देखी कि स्पर्धा हुई है काफी लोगों, जिसमें एयरबस है और फिर लॉकहीड मार्टिन है, फिर फ्रांस का दसो है, और बोइंग, बोइंग ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो यहाँ आई थी उन्होंने अपने वो छोटे मिनिएचर मॉडल्स जो दिए हैं एग्जीबिशन में देखने के लिए रखे। और ये स्पर्धा जो हो रही है उसमें FA-18 Block 3 सुपर हॉर्नेट फाइटर है, फिर लॉकहीड मार्टिन का F-21 है, और P-81 एयरक्राफ्ट है, और A-64 अपेचे चिनूक हेलीकॉप्टर, कई चीजें भारत ले सकता है, लेकिन कहाँ तक ले पाएगा और कैसे उसका विश्लेषण करेगा वो जरा बताएं।
बड़े सारे आरएफपी निकले हुए थे इस डेफ एक्सपो के पहले। आरएफपी होता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं उसका प्रपोजल हम मांगते हैं लोगों से कि कौन कौन हमको सप्लाई कर सकता है हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो उसको रिस्पॉन्स कई जगहों से, ये कंपनी जिनके आपने जिक्र किया उनसे हमको रिस्पॉन्स मिलने की आशा है, और उस रिस्पॉन्स को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये डिस्प्ले सारे किए थे, जो नाम आपने लिए, हॉर्नेट का नाम लिया, F-21 का नाम लिया, ऐसे हर कोई कंपनी जो हमको हवाई जहाज देना चाहता है उन्होंने ये डिस्प्ले पे रखा था। और रूस का ग्रिपेन है और फ्रांस का रफाल जो है वो तो हमारे यहाँ आना शुरू हो गया है। तो जैसे कि वो चाहते हैं कि रफाल की एक फैक्ट्री मध्य भारत में कहीं तैयार करी जाए। प्रधानमंत्री ने जो बताया कि हम 5 बिलियन का टारगेट रखेंगे एक्सपोर्ट का डिफेंस इक्विपमेंट का आज से 5 साल तक, यानी कि 2024 तक हम $5 बिलियन का एक्सपोर्ट करेंगे हिंदुस्तान से। तो अगर ये करना है तो मेरे ख्याल में मेक इन इंडिया से हमको मेड इन इंडिया की तरफ जाना पड़ेगा, और उसमें जो कदम उठाने जरूरी है वो मेरे ख्याल अभी सही वक्त है कि हम उठाएं, ताकि हम बाहर की टेक्नोलॉजी यहाँ लाके यहाँ प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करने के साथ साथ हम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान दें। तो इस डेफ एक्सपो के दौरान इससे रिलेटेड भी कई एक्टिविटीज मेरे ख्याल कंपनियों ने करी है, DRDO के साथ, HAL के साथ, अब हमारे PSU के साथ, जैसे कि आपको पता है कि बेल के साथ कई MOUs करे हुए हैं बड़े कंपनियों में। ये डेफ एक्सपो में एक लॉकेट मार्टिन के साथ भी हुआ है। बिल्कुल, जो F-21 का MOU किया हुआ है बेल के साथ इन्होंने, ताकि वो अगर मौका मिले तो प्रोड्यूस करे। वैसे ही प्राइवेट कंपनीज ने, उन्होंने कई फॉरेन कंपनीज के साथ MOUs करे हुए हैं, ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए नहीं बल्कि अपनी खुद की क्षमता बढ़ाने के लिए, एक साथ बनाएंगे टेक्नोलॉजी जो रिक्वायर्ड है वो शेयर करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि DRDO ने कई TOTs दी हुई है, इस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करी है इस डेफ एक्सपो के दौरान। सो DRDO ने जो टेक्नोलॉजीज जो डेवलप करी है इस दौरान, उन्होंने काफी सारी चीजें प्राइवेट कंपनीज को दी है कि अभी हमने जो इक्विपमेंट जो डेवलप किया है उसको दिया जाए प्राइवेट कंपनीज को बनाने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी क्षमता है, अगर इसी रास्ते पे हम चलते रहे तो अगले 5 से 15 साल के दौरान हम सच में ये सपना अपना साकार कर सकते हैं कि ये अच्छी अच्छी इक्विपमेंट हम मेक इन इंडिया, और ये जो इम्पोर्ट हो रहा है उसको थोड़ा कम करके हम खुद प्रोड्यूस करके इन चीजों को एक्सपोर्ट करें। जैसे ये 1-2 MOU महत्वपूर्ण है, और उसमें जो फैक्ट्रियां लगेंगी भारत में वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे साउथ एशिया के क्षेत्र के लिए बना ली, इसका मतलब ये प्रोडक्शन उसके हिसाब से होगा काफी लंबा। जैसे मैं रफाल का बताया, रफाल की जो फैक्ट्री है वो दक्षिण एशिया के लिए है, तो इसी तरह बहुत सारी चीजें हो सकती है। अभी इसका काफी हद तक श्रेय जाता है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, और लखनऊ उनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी भी रही है, उन्होंने बड़े फख्र के साथ ये कहा है कि उत्तर प्रदेश का डिफेंस कॉरिडोर जो है उसके बारे में एक किताब भी रिलीज हुई है। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है जो हमें आगे बढ़ाना है, आप उसको संक्षिप्त में ये जो हुआ है उसका कैसे बताएंगे? डिफेंस कॉरिडोर तो बनी रहे हैं, ये जो चीजें हम डेफ एक्सपो के थ्रू करते हैं उनको कंसोलिडेट करना जरूरी है, उसको जो जो MOUs जो साइन हुए हैं उसको किस तरह से हम आगे लेके जाके ये मेक इन इंडिया को मेड इन इंडिया में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर अभी ध्यान देना होगा हमको। यही कदम हमारा हमको सही मायने में डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट में सक्षम बना सकता है भारत को, भारत की डिफेंस सर्विसेज को, और इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ सकते हैं साउथ एशिया के राष्ट्रों को इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करने के लिए और क्वालिटी इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करने में। धन्यवाद, थैंक यू। सामयिकी में अभी आप सुन रहे थे डिफेंस एक्सपो 2020 और आगे की दिशा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक एयर वाइस मार्शल SJ ननोतकर और पत्रकार महेंद्र वेद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsgtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।